ज्यादातर लोग टू, ऑल्सो और आइदर के यूज को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इन सभी का मीनिंग होता है भी, तो वे नहीं समझ पाते हैं कि इनका करेक्ट यूज क्या है और एक सेंटेंस में इनका सही पोजीशन क्या है, यानी इनको कहाँ लिखना चाहिए या कहाँ नहीं लिखना चाहिए। इसके अलावा एक और वर्ड है इवन, जिसका भी मतलब होता है भी, जहाँ अक्सर कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, इन सभी को अलग अलग समझें कि जब आपको कहना हो भी तो कब आप कहेंगे आल्सो, कब आप कहेंगे टू, कब आप कहेंगे आइदर और कब आप कहेंगे इवन। इसके पहले कि मैं ये लेसन शुरू करूं, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि आल्सो का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंसेज में नहीं कर सकते, यानी सिर्फ हम पॉजिटिव सेंटेंसेज में कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्या उनका सोचना सही है, क्या आल्सो का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंसेज में नहीं कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इन सभी कंसेप्ट को एक एक करके समझ लें। आइए सबसे पहले टू का कंसेप्ट समझें। टू का मतलब होता है भी, जो एक पॉजिटिव सेंटेंसेज में इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप इसे नेगेटिव सेंटेंसेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस बात को मैं हिंदी में कहूँ तो आप इसे नकारात्मक वाले वाक्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको सिर्फ सकारात्मक वाले वाक्यों में इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम बात इनकी पोजीशन की करें, यानी एक सेंटेंस में इनको कहाँ लिखना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा इस वर्ड को सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लें। उसे क्रिकेट पसंद है, सी लाइक्स क्रिकेट। मुझे भी क्रिकेट पसंद है, आई लाइक क्रिकेट टू, यानी मुझे भी क्रिकेट पसंद है। यहाँ वर्ड भी के लिए मैंने बोला टू, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वर्ड को मैंने सेंटेंस के लास्ट में लिखा है। उसे मूवी पसंद है, ही लाइक्स मूवी। मुझे भी मूवी पसंद है, आई लाइक मूवी टू। यहाँ इस सेंटेंस में भी के लिए मैंने बोला टू, जो सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कंसेप्ट को समझा कि टू मीन्स भी होता है, और अगर आप इस वर्ड को एक सेंटेंस में लिखेंगे तो आप इसे सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे, यानी आखिर में लिखेंगे। टू वाले कंसेप्ट को खत्म करने से पहले एक और बात बता दूं कि टू के कुछ और मीनिंग भी होते हैं, यानी टू के कुछ और भी यूजेस हैं, जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता, क्योंकि आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो ये है कि टू का यूज भी के सेंस में कैसे करें। जैसा कि आप यहाँ पर आइदर देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है भी, लेकिन भी के सिवा इनके और भी मीनिंग होते हैं, यानी इनके और भी यूजेस हैं। तो हम आज के इस वीडियो में टू या आल्सो के सभी यूजेस के बारे में नहीं सीखेंगे, हम इनका सिर्फ एक कंसेप्ट सीख रहे हैं, जो है भी। आइए फ्रेंड्स, अब आल्सो का कंसेप्ट समझें। आल्सो मीन्स भी, जिसे हमें टू बी फॉर्म के बाद लिखना चाहिए, यानी इजारम के बाद लिखना चाहिए या वाजवर के बाद लिखना चाहिए, या अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब है तो आपको आल्सो का यूज मेन वर्ब के पहले करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो मैं भी खुश हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम आल्सो हैप्पी। यहाँ पर वर्ड आल्सो का यूज मैंने टू बी फॉर्म के बाद किया, यानी एम के बाद किया। अगर आपको कहना हो कि वह भी बीमार है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज आल्सो इल, यानी वह भी बीमार है। यहाँ वर्ड भी के लिए मैंने बोला आल्सो, और वर्ड आल्सो को मैंने टू बी फॉर्म के बाद लिखा, यानी इज के बाद लिखा। अगर आप कहना चाहें मुझे भी क्रिकेट पसंद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई ऑल्सो लाइक क्रिकेट। यहाँ पर वर्ड भी के लिए मैंने बोला आल्सो, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आल्सो का यूज मेन वर्ब के पहले हुआ है, यानी आपके सेंटेंस में जो वर्ब है वो है लाइक, और उसके पहले मैंने बोला आल्सो। अगर आपको कहना हो मुझे भी मूवी पसंद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई ऑल्सो लाइक मूवी। अगर आपको कहना हो कि मैंने भी केक खाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई ऑल्सो एट केक, यानी मैंने भी केक खाया। इस सेंटेंस में आया भी के लिए मैंने बोला आल्सो, और वर्ड आल्सो का यूज मैंने मेन वर्ब के पहले किया, यानी एट के पहले किया। तो यहाँ पर आपने आल्सो का कंसेप्ट समझा कि आल्सो मीन्स भी, जिसे आप टू बी फॉर्म के बाद लिखेंगे या मेन वर्ब के पहले लिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आल्सो का इस्तेमाल क्या हम नेगेटिव सेंटेंसेज में कर सकते हैं या सिर्फ हम पॉजिटिव सेंटेंसेज में करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा अगर हम ग्रामेटिकली देखें या
यानी अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें तो आल्सो का यूज सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाना चाहिए, यानी आप वर्ड आल्सो का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात जानना जरूरी है कि आज के मॉडर्न इंग्लिश में आल्सो का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जा रहा है, यानी स्पोकन इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी आल्सो का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत होने के बावजूद भी सही है। यानी स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं जो कि ग्रामेटिकली गलत होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा बोला जा रहा है कि गलत होने के बावजूद भी आजकल उसको सही माना जा रहा है। जैसा कि विल का कंसेप्ट, आपको ये बात पता होगा कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है और आई वी को छोड़कर बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल केस में। लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में एक नॉर्मल सेंटेंस में भी चाहे आपका सब्जेक्ट आई हो या वी, सबके साथ विल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं, जो कि गलत होने के बावजूद भी सही है। आइए यह बात मैं आपको एक किताब में दिखाऊं, जो कि एक अच्छी किताब है जहां आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल हुआ है शैल का नहीं। यहाँ आप इन सभी सेंटेंसेस को देखें, इन सभी सेंटेंसेस में कहीं भी शैल नजर नहीं आएगा। आपका सब्जेक्ट आई है, आई होने के बावजूद भी यहाँ पर विल का इस्तेमाल है। इससे भी बड़ा चौंकाने वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन क्या होगा तो आप क्या कहेंगे, जैसे मैं नहीं समझ रहा हूँ, लाजमी है कि आप कहेंगे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग या आई एम नॉट गेटिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस सेंटेंस का ये ट्रांसलेशन हुआ कांट अंडरस्टैंड, तो क्या आपको यकीन होगा? शायद नहीं। लेकिन ये सच है, स्पोकन इंग्लिश में मैं नहीं समझ रहा हूँ के लिए कांट अंडरस्टैंड भी बोला जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात किताबों में लिखा है, आप यहाँ देखें, नहीं समझ रहा हूँ कांट अंडरस्टैंड। नीचे की आप कुछ और एग्जांपल्स पढ़ लें ताकि आपको यकीन हो सके कि जो मैं कह रहा हूँ वह सही है। एक और रॉन्ग कंसेप्ट है जो बहुत बोला जाता है और इतना बोला जाता है कि वही अब सही माना जाता है, यानी अगर आप सही वाला बोलेंगे तो लोग उसको गलत बोल देंगे और जब गलत वाला बोलेंगे तो लोग कहेंगे हाँ हाँ यही सही है। जैसा कि अगर आपको कहना हो मैं हूँ तो इसका सही ट्रांसलेशन होता है इट इज आई, लेकिन ज्यादातर लोग कहते इट इज मी, तो इट इज मी एक रॉन्ग कंसेप्ट है, ये ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन ये इतना बोला जाता है कि यही सही लगता है और ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। अगर आप कहीं करेक्ट बोलेंगे इट इज आई तो लोग आप पर डाउट करेंगे कि लगता है ये गलत बोल रहा है, इट इज मी की जगह पर इट इज आई बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी कंसेप्ट गलत होने के बावजूद भी सही हैं। क्यों? क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें क्या आल्सो का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जा सकता है, तो मैं आपसे कहूंगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ऐसा किया जा रहा है, अगर कोई आल्सो का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस में करे तो आप एतराज नहीं कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब आइदर का कंसेप्ट समझ लें। आइदर मिस होता है भी, और इस वर्ड का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, यानी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं करते हैं। और अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें कि एक सेंटेंस में इन्हें कहां लिखना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा इसे सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है आइए कुछ एग्जांपल्स देख लें। अगर आपको कहना हो उसे इंग्लिश पसंद नहीं है और मुझे भी इंग्लिश पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी डज नॉट लाइक इंग्लिश एंड आई डोंट लाइक इंग्लिश आइदर। मैंने यहाँ पर बोला आइदर क्योंकि मेरे सेंटेंस में आया है भी, और मैंने भी के लिए आइदर इसलिए बोला क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, यानी नकारात्मक है। अगर आपको कहना हो कि मुझे भी क्रिकेट पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक क्रिकेट आइदर, यानी मुझे भी क्रिकेट पसंद नहीं है। चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए मैंने भी के लिए बोला आइदर और मैंने वर्ड भी को सेंटेंस के लास्ट में लिखा। मुझे भी तुमसे बात करना पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक टू टॉक टू यू आइदर, यानी मुझे भी तुमसे बात करना पसंद नहीं है। यहाँ पर मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि आइदर के और भी यूजेस हैं जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है।
मेरा आज का टॉपिक था कि आइदर का इस्तेमाल भी के सेंस में कैसे करेंगे। अगर आप आइदर का पूरा कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है जिसको मैंने आई के सिंबल में रखा है। अगर आप आइदर का पूरा कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आइए फ्रेंड्स, अब लास्ट में जरा इवन के बारे में बात कर लें। ये सच है कि इवन मीन्स भी होता है, लेकिन इवन इन तीनों से अलग है। यानी वर्ड इवन का इस्तेमाल हम भी के लिए तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में सरप्राइज वाला सेंस हो, या कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो, या वो काम बड़ा हैरत वाला हो, बड़ा चौंकाने वाला हो। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं, वी यूज इवन टू रिफर समथिंग सरप्राइजिंग, अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल। यानी कोई ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड है, उम्मीद से परे था, या बहुत सरप्राइजिंग। तो ऐसे केस में भी के लिए हम बोलते हैं इवन। यानी इस कंडीशन में आप उन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल न करें बल्कि आप बोले इवन। जैसे अगर आपको कहना हो, उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह किराया दे सके, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही डिडंट इवन हैव मनी टू पे द रेंट। यानी उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह किराया दे सके। ये बात बहुत सरप्राइजिंग है। यानी यहाँ मेरे सेंटेंस में एक हैरत है कि इतना भी पैसा नहीं था कि वह किराया दे सके। अगर आपको कहना हो, वह भी मुझ पर शक करती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इवन सी डाउट्स मी। यानी यहाँ तक कि वह भी मुझ पर शक करती है। ये बात बहुत सरप्राइजिंग है या अनएक्सपेक्टेड है। मैंने कभी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वह अभी मुझ पर शक करेगी। तो यहाँ आपने दोनों सेंटेंसेस में इवन का इस्तेमाल देखा कि इवन मीन्स भी होता है, लेकिन ये इन तीनों से अलग है। यानी आल्सो, टू और आइदर से अलग है। इसमें हैरत वाला सेंस होता है, यानी सरप्राइजिंग वाला सेंस होता है। हो सकता है अब आप ये सोच रहे हो कि एक सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको ये लेसन कितना पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी खुशी के लिए, ताकि मैं और आपके लिए ऐसे कंसेप्ट ला सकूं। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। अब तक के लिए